सरकार के चोर निकले। वज़ीर-ए-आला के शहर के गाजी यूनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी। यूनिवर्सिटी के तरक्याती काम चोरी की बिजली पर चलने लगे। मेपको डीजी खान के गाजी यूनिवर्सिटी में कार्रवाई। यूनिवर्सिटी में बिजली चोरी पकड़ ली गई। एक्सीएम मेपको मुमताज सोलंगी ने कहा कि यूनिवर्सिटी में 30 से 40 लाख से ज्यादा की बिजली चोरी की जा रही है। महकमा सेहत बहावल नगर की नाकिस कारकर्दगी का जिम्मेदार कौन? महकमा सेहत की गुज़िश्ता माह की रैंकिंग जारी। बहावल नगर सुबह भर में कारकर्दगी के लिहाज से आखिरी नंबर पर। बुनियादी हेल्थ सेंटर में स्टाफ की कमी, इमरजेंसी मेडिसिन ना होने और सफाई का निजाम अबतर। रिपोर्ट ने सब अच्छा के दावे झूठे साबित कर दिए। पचास लाख की गाड़ी का मालिक बकरी चोर निकला। डीजी खान राखी गांच में बकरी चोरी की अनोखी वारदात। सामने ऐसे शख्स बकरी बलोचिस्तान ले जाता पकड़ा गया। गरीब किसान बॉर्डर मिलिट्री पुलिस बकरी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने पहुंचा तो अपनी बकरी पहचान ली। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने मुलजिम पर मुकदमा दर्ज करके बकरी मालिक के हवाले कर दी। सऊदी वजारत हज और उमरा की जानिब से जायरीन के लिए उमरे के एसओपी जारी। जायरीन को उमरा अदायगी से कबल इजाजत नामा लेना होगा। 4 अक्टूबर से मकामी अफराद के लिए उमरा अदायगी के पहले मरहले का आगाज होगा। जायरीन उमरे से कबल मखसूस मोबाइल ऐप एतमरना से बुकिंग करवा सकेंगे। मोबाइल ऐप से बुकिंग का आगाज शुरू। उमरा जायरीन के लिए 3 घंटे का वक्त मुख्तर। आटे की बढ़ती कीमतों से अवाम परेशान। मुल्तान में 860 रुपए में फराहम किया जाने वाला आटा 1200 तक जा पहुंचा। दुकानदारों ने कहा कि आटे का स्टॉक मौजूद नहीं। आटे की बढ़ती कीमत के बाद शहरी खुला आटा खरीदने पर मजबूर है। मुल्तान और हिमर खान में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। अदरक की 5वीं सेंचुरी बरकरार। 60 रुपए मिलने वाली बंद गोभी 100 रुपए फी किलो में बिकने लगी। करेलों की कीमत में भी 40 रुपए फी किलो इजाफा। खीरे और भिंडी की कीमत में 20 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। शहरियों का इंतजामिया से सब्जियों की कीमतों में कमी का मुतालबा। और पंजाब फूड अथॉरिटी डीजी खान का मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई पर 27 पॉइंट सील कर दिए गए। मुताबिक को जुर्माने आए। 20 किलो मसाला जात, 40 लीटर दूध, 250 किलो तैयारशुदा गैर मियारी खुराक तलब कर दी गई।